हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके ही चैनल एग्जाम इमर्स पर। तो इस वीडियो को यार मैं बहुत लंबे समय बाद लेके आ रहा हूँ, यानी कि आप अगर चेक करोगे मेरे चैनल पे तो एक मेरा चैनल पूरा फ्रीज सा ही हो गया है। मतलब कि मैंने लास्ट वीडियो जो मेरा अपलोड किया था उसको अपलोड किए हुए काफ़ी ज़्यादा मुझे समय हो गया। तो अगर मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ तो भाई ऑब्वियसली बात है, ज़रूर बहुत ही ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना होगा मुझे, तो ये मैं लेके आया हूँ। तो सही है, आपने बिल्कुल एकदम सही सुना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है मुझे। हालांकि अभी यानी कि जो प्रेजेंट ईयर के, जो प्रेजेंट एकेडमिक ईयर के जो क्लास 9th के बच्चे 10th में आए हैं, यानी कि जिस पर 10th बोर्ड अपीयर करेंगे, उनके दिमाग में ना यार एक बहुत ही बड़ा ना एक बोल सकते हैं अपने कन्फ्यूज़न डाउट चल रहा था कि क्या सर, मतलब कि अभी आप जैसे कि जानते हो कि क्लास 10th के लिए जो अपना एग्ज़ाम सॉरी क्लास 10th के लिए जो अपना क्लासेस होता है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस पहले से ही चालू हो जाते हैं। यानी कि 9th क्लास के बच्चे ने 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो जैसे ही एग्ज़ाम देते हैं तो उनका तुरंत ही जो है क्लास 10th का एक्स्ट्रा क्लासेस मोस्ट ऑफ स्कूल्स में चालू हो जाता है। तो मैं भी अभी स्कूल में क्या पढ़ाने जाता हूँ, आप लोग की दुआ है, ठीक है, आप लोग के ही कारण गाइज, आप लोग के प्यार के कारण मुझे एक्चुअल में, मैं भी स्कूल में भी जॉब करता हूँ। तो स्कूल में मैं 10th क्लास को क्या एक्स्ट्रा क्लास के लिए वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने जाता था, तो वहाँ पे कई सारे बच्चे मेरे से ना ये क्वेश्चन पूछते थे कि क्या सर हमारा बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो अभी क्या, मैं तो उनको बोल ही देता था भाई डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम होगा ही, तुम्हारा कोई बिल्कुल भी जीरो चांस है कैंसिल नहीं होगा। बट स्टिल नहीं पता कहाँ से ये बातें हवा में फैल गई थी, क्योंकि अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो 2020 में एक्चुअल में आया था, कि जिसके हिसाब से आपको बताया गया था कि 5+3+3 वो सब दुनिया भर का फलाना ढिमका जो था, तो उसके हिसाब से कई सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा। बट गाइज यहाँ पे बोर्ड एग्जाम कुछ निकलना नहीं है और कोई बोर्ड एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका जो ऑफिशियल लेटर है फ्रॉम GSEB.org यानी गुजरात बोर्ड से उसका जो ऑफिशियल लेटर है, भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो स्कूल में बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर क्या हमारा एग्जाम होगा बोर्ड की नहीं होगा, तब मैं तुक्का मारता था, तब मैं बेसिकली ऐसे ही बोलता था कि यार होगा ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। इवन आई वॉज नॉट श्योर, मैं भी श्योर नहीं था ना, श्योर था मतलब मेरे को पता था बोर्ड एग्जाम होगा, बट स्टिल एक होता है ना कि जो डाउट ये हवा में बातें फैली थी उसको लेके मैं भी इतना मतलब सर्टेन नहीं था कि भाई यही डेफिनेटली है इसका आंसर कि नहीं। बट गाइज अब मैं एकदम श्योर हो चुका हूँ, क्योंकि गुजरात बोर्ड भी इस बात को समझे कि भाई नहीं पता किसने बातों को हवा में ऐसे पूरा फैला के रखा है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, तो गुजरात बोर्ड ने इसे सही समझते हुए एक ऑफिशियल लेटर डिक्लेयर किया, और वो आज ही डिक्लेयर किया, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे 2/5/2023, यानी कि ये आज का एक ऑफिशियल लेटर है फ्रॉम द GSEB.org, यानी गुजरात बोर्ड से एक ऑफिशियल लेटर आपको आया हुआ है। और आपको इस लेटर में ये बताया जाएगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है ना वो होगा, बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं है भाई लोग। तो जितने भी क्लास 10th में भी बच्चे आए हैं जो कि यहाँ पे सोच रहे थे नहीं होगा नहीं होगा ये वो फलाने टिमका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम 110% होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गुजरात आप जैसे कि देख सकते हो प्रति जिला शिक्षण अधिकारी तमाम गुजरात राज्य यानी कि पूरे गुजरात स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट होगा, और ये आपका आया है जिला शिक्षा अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर है वहां से ये आया हुआ है। चलो तो यहाँ पे ये किस चीज के बारे में आपको बताएगा, तो शैक्षणिक वर्ष 2023-24 माटे शाळाकीय प्रवृत्ति कैलेंडर ने विगतो मोकलवा बाबत, ठीक है, मेरा गुजराती हालांकि इतना बेस्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरा गुजराती कुछ खास खास नहीं है। तो यहाँ पे ये आप एक्चुअल में इस ऑफिशियल लेटर के अंदर आप ये देखने जाने वाले हो कि आपका 2023-24 यानी कि प्रेजेंट एकेडमिक ईयर के अंदर किस तरीके से आपका स्कूल का शेड्यूल रहेगा, यानी किस तरीके से स्कूल कब एग्जाम लेगी कब एग्जाम नहीं लेगी, क्या होगा, कब आपको छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो सारी चीजें जो है 2023-24 का जो एकेडमिक ईयर है उसके बारे में आपको इस ऑफिशियल लेटर के अंदर देखने को मिल जाएगा, और आपका भाई आपको दिखाएगा, ठीक है। और भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जेमा, आपको यहाँ पे क्या जानने को मिलेगा, अपने फालतू चीजें गुजराती में नहीं पढ़ेंगे आप, यहाँ पे ध्यान, जेमा शैक्षणिक सत्रना दिवसों यानी कि सेमेस्टर आपके जो होते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो एक सेमेस्टर को कितने दिन मिलेंगे, दूसरे सेमेस्टर को कितने दिन मिलेंगे, ठीक है, साड़ा नी परीक्षा नी तारीख ने विगतो यानी कि आपकी स्कूल में जो एक्चुअल में कब कब एग्जाम होगा, यानी टर्मिनल्स एग्जाम हो गए प्रीलिम्स एग्जाम हो गए, तो उनके डेट क्या होंगे वो भी आपको इस वाले लेटर के अंदर देखने को मिलेगा। परीक्षा अंगेनी सूचनाओं वैकेशन दिवसों जाहिर रजाओ विगतो तेमज धोरण 10 अने 12 बोर्ड परीक्षा नी तारीख, ठीक है, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम कब होगा, क्लास 9 टू 12 का टर्मिनल्स एग्जाम हो गया प्रीलिम्स एग्जाम हो गया सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, ये सब कब होंगे कब नहीं होंगे वो पूरा का पूरा आपको इस लेटर के अंदर बताया गया है। ऑफिशियल हॉलीडेज कब होगा, मतलब कब कब दिन पे आपको ऑफिशियल छुट्टियां मिलेगी, तो वो सब तो छुट्टियां के बारे में अपने डिस्कस नहीं करेंगे अभी के लिए, क्योंकि आपको खुद को पता है दिवाली पे छुट्टी मिल जाएगा नवरात्रि पे छुट्टी मिल जाएगा वो सब तो पता है अपने को। तो अपने बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अपना एग्जाम कब कब होगा, और बोर्ड एग्जाम वाकई में ही 110% होगा, उसके भी जो आपको प्रूफ है वैलिडेशन है वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। चलो आइए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ जादू
ओके गाइज, नाउ वी आर हियर। एज जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज द जादू। ठीक है, आपका यहाँ पे सारा किया प्रवृत्ति कैलेंडर जो है 2023-24 का, ये बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिले 2023-24 यानी कि प्रेजेंट अकेडमिक ईयर का जो भी शेड्यूल है अपने स्कूल का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 माटे विविध परीक्षाओं की तारीख, यानी जो अलग अलग आपके एग्जाम्स होते हैं टर्म वन टर्म टू प्रीलिम्स का, तो उसका जो डेट है वो कब से कब होगा, यानी कि जो प्रेडिक्शन जो डेट है कि भाई इतने इतने में हो जाना चाहिए आपका ये वो, तो ये गुजरात बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है और सभी स्कूल्स को बेसिकली इन्हीं मंथ्स के अंदर वो एग्जाम कंडक्ट करने होंगे। चलो तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसको थोड़ा सा अपने जूम इन करेंगे। भाई एक कर दिया, एक कर दिया, एक ये हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अब अपने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो तो आप चेक करो, यहाँ पे परीक्षा आपको है और यहाँ पे धोरण और यहाँ पे तारीख, ये तारीख अपने को बताया गया यहाँ पे, मतलब आपको इस वाले एक्चुअल में कॉलम में आपको देखने को मिलेगा कौन से परीक्षा मैंने कौन से एग्जाम्स होंगे, कौन से क्लास के लिए क्या तारीख होंगे। ये एकदम ऑफिशियल लेटर है भाई, आपको जस्ट मैंने प्रीवियस वाला जो स्लाइड दिखाया वो आपने खुद ही देखा कि गुजरात बोर्ड से यह होके आया हुआ है। ठीक है, चलो तो धोरण 10 और 12वीं पूरक परीक्षा, पूरक मतलब साला एक गुजराती में ना अपन को समझ ही नहीं पड़ता यार, जितने भी बेचारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, गुजरात बोर्ड को एक है ना, एक क्या आप एग्री करते हो इस बात से मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि गुजरात बोर्ड को ना एक ऐसा भी रूल रखना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक अलग से मतलब आपको है ना सर्कुलर लेके आना चाहिए। आप क्या करते हो, जो भी सर्कुलर लेके आते हो वो गुजराती में लिखा होता है बेसिकली, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी पढ़ने, अभी बच्चों हो गया, हमको सर को ही नहीं आता है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम यार इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो हमको इतना आइडिया नहीं होता ना पूरक क्या होता है। हालांकि मैंने सर्च किया तो अपने को पता चला कि यहाँ पे धोरण 10 और 12 का जो रिपीट का एग्जाम होगा, रिपीटर्स के जो एग्जाम होंगे, री एग्जाम जिसको आप बोल सकते हो, पूरक परीक्षा, यानी जो अभी 12वीं में फेल हुए हैं, ठीक है, अभी जो हालांकि 10वीं का रिजल्ट तो नहीं आया, 12वीं का तो जा चुका है, तो जो 10वीं में फेल होंगे या फिर जो 12वीं में फेल हुए हैं उनके जो एग्जाम्स होंगे वो कब होंगे, 10th और 12th के, तो वापस से जो रिपीटर्स के एग्जाम होंगे वो जुलाई में होगा, 10 से लेके 14 तक है ना, 10 टू 14 जुलाई में आपका खत्म हो जाएगा जो भी रिपीटर्स है, भगवान ना करे कोई 10th में रिपीट करे। ठीक है, 12th में काफ़ी सारे बच्चे, हालांकि 65% रिजल्ट आया हुआ है अपने 12th का, कुछ बच्चों को तो ग्रेसिंग मार्क, कुछ बच्चों को क्या, काफ़ी सारे बच्चों को तो ग्रेसिंग मार्क से पास किया गया है, यानी ये जो 65% रिजल्ट है उसमें से कई सारे बच्चों को ग्रेस करके यहाँ पे आगे निकाला गया, तो आप समझ सकते हो कि रिजल्ट कितना डाउन हो जा रहा है धीमे धीमे गुजरात बोर्ड का। उसका रीज़न क्या हो सकता है सर, उसका रीज़न सिंपल सा है भाई, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस, और वो डिस्ट्रैक्शंस क्या है, बेसिकली वन ऑफ द जो बिगेस्ट है ना, मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द जो डम्बेस्ट डिस्ट्रैक्शन है, दैट इज़ द एंड्रॉयड फ़ोन। बेसिकली गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे लोग इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पबजी सब्जी सब खेलते रहते हैं ना भाई, तो वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। उसके बाद जो कोई दूसरे नंबर का डिस्ट्रैक्शन है, दैट इज़ द निब्बा निब्बी वाला खेल, बेसिकली बॉयज़ गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज़ की अट्रैक्शन जो है ना, ये भी बच्चों को एक्चुअली पूरी तरीके से ना मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, तो बच्चे वहाँ पे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन कारण गुजरात का जो रिजल्ट है ना, आप अगर इसको प्रीवियस टाइम से कंपेयर करो तो आपको देखने को मिलेगा कि धीमे 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 बेसिकली ये डिटेरियोरेट होते जा रहा है, यानी कि खराब होते जा रहा है गुजरात बोर्ड का रिजल्ट। उसका रीजन गुजरात बोर्ड का ही नहीं, हालांकि मैं जैसे आपको बताऊं काफ़ी सारे स्टेट के में भी यही हो रहे होंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अपने गुजरात में नहीं आया है, वो एक्चुअली पूरे इंडिया में है ना, वो अपने को पता है कि भाई इंडिया पूरे इवॉल्व हुई है अपने, है ना, अब रिवॉल्यूशन हो रहा है इंडिया में भाई, तो पूरे इंडिया में बेसिकली बच्चे का यही हाल है भाई, एकदम तंगी चल रही है। चलो तो अपने अभी और कुछ अच्छी बात है, प्रथम परीक्षा कब होगा, तो 9 to 10th वालों का, 9 to 12th वालों का फर्स्ट एग्जाम जो होगा, यानी कि सेमेस्टर वन का जो एग्जाम होगा 9 to 12th वालों का, वो होगा अक्टूबर में। ठीक है, 3 से चालू होगा, 12 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका होगा अक्टूबर में। चलो बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, अक्टूबर में एग्जाम होगा तुम्हारा, सेम वन का जो एग्जाम है वो तुमको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा फॉर क्लास 9 to 12th, मैं 9वीं से 12वीं सभी बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। चलो और यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर 2 का एग्जाम होगा, देखो 9th और 11th वालों के लिए सेम 2 का एग्जाम होता है, और 10th और 12th वालों के लिए इसको आप प्रीलिम एग्जाम बोलते हो। ठीक है, तो दोनों एक ही बात हो गया, चाहे आप जो भी बोलो, तो प्रीलिम एग्जाम बोल दो चाहे सेमेस्टर 2 का एग्जाम बोल दो, वो 9 to 12th वालों के लिए जैन में हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी में हो जाएगा ये एग्जाम, जनवरी में 29 यानी एंड ऑफ द जैन से चालू होगा, एंड वीक ऑफ जैन से चालू होगा, स्टार्टिंग वीक ऑफ द फेब में आपका खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्रखरता शोध कसौटी, यानी कि जो नेशनल टैलेंट सर्च का जो एग्जाम वगैरह होता है क्लास 9th के लिए, तो ये आपका होगा फेब में ही हो जाएगा। हालांकि ये सभी के लिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, और ये इससे कोई आपसे एग्जाम से लेना देना नहीं है भाई, सिंपल, इससे आपका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। आप देना चाहो, 2 मार्क्स आए नहीं आए, फेल पास, कुछ इससे लेना देना नहीं है, तो इसको तो अपने यहाँ पे इग्नोर कर दे अभी के लिए।
तो बोर्ड विजय ना सारा कक्षाएं लेवानी परीक्षाओं है ना, यहाँ पे जो बोर्ड मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपने को पता है कि जो बोर्ड जो क्लास टेंथ में और ट्वेल्थ में जो बच्चे हैं, जैसे कि क्लास टेंथ का भी हो गया, लेट करो कंप्यूटर का पेपर हो गया, पीटी का पेपर हो गया, तो ये सब पेपर बोर्ड एग्जाम मतलब गुजरात बोर्ड नहीं कंडक्ट करता, ये आपकी स्कूल में ही बेसिकली ये सारे पेपर्स जो है वो कंडक्ट कर लिए जाते हैं, स्कूल के सर टीचर ही इस पेपर को कंडक्ट करेंगे। तो वो जो पेपर है यानी कि टेंथ और ट्वेल्थ वालों के लिए, जैसे कंप्यूटर का पेपर हो गया, पीटी का पेपर हो गया, तो ये सब आपका 12 से लेकर 15 तक रहेगा, यानी कि फरवरी में, ठीक है, आप जैसे चेक कर सकते हो 12/2/2024 से लेकर 15/2/2024, तो यानी कि ये आपका 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक फरवरी में इसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ठीक है, ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम का जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम होगा यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होगा वो 19 से चालू होगा, 17 तक खत्म कर देंगे फेब में ही, यानी कि सब आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, पीटी हो गया, ये सब आपके फेब में जो है उसको ले लिए जाएंगे, खत्म कर दिया जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एसएससी एचएससी बोर्ड परीक्षा, यानी कि जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा फॉर क्लास टेंथ और ट्वेल्थ, एसएससी मतलब क्लास टेंथ, एचएससी मतलब क्लास ट्वेल्थ, एसएससी का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, और एचएससी का होगा हायर सेकेंडरी क्लासेस। तो यहाँ पे जो एसएससी और एचएससी का एग्जाम होगा टेंथ और ट्वेल्थ के लिए वो होगा 11 तारीख से चालू होगा आपका, यानी कि 11 मार्च से, ठीक है, 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक। चलो भाई बोर्ड एग्जाम वालों क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ, ठीक है, यहाँ पे क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो 11 मार्च से चालू होगा और 28 मार्च तक चलेगा, ठीक है। तो गाइज आपका डेट आ चुका है, आप देख सकते हो जैसे बोर्ड ने परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम होगा, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अपने बात करते हैं यहाँ पे शाड़कीय परीक्षा, ये सब आपको, ये तो शाड़कीय वार्षिक परीक्षा यानी कि फॉर क्लास नाइन्थ की बात करें अपने, है ना, नाइन्थ और इलेवेंथ, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर रखता हूँ मैं, चलो जैसे कि आप यहाँ पे चेक करते हो नाइन्थ और इलेवंथ का जो एग्जाम, ये तो बात रही टेंथ और ट्वेल्थ की, पर यहाँ पे नाइन्थ और इलेवंथ का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा, 8 से चालू होगा, 20 तारीख तक रहेगा, जो कि सभी को पता है, इस बार भी ऐसे ही हुआ था ना, 8 से चालू होगा, 20 तारीख तक आपका चलेगा अप्रैल में, बट ये नाइन्थ और इलेवंथ वालों के लिए, ठीक है। तो यहीं पे अपना जो वीडियो है ये पूरा होता है, होप करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन रहेगा कि अपने सारे दोस्तों को इसको आप शेयर करिए, उनको ये वीडियो बताइए कि भाई टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो कोई भी अभी इसे है ना बहुत ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ना तैयारी करना चालू कर दो। ट्यूशन अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे नंबर को आप लीजिए और हमारे क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम, आइए हमारे क्लास को ज्वाइन करिए, मैथ साइंस में आपको बना देंगे हीरो। चलो बहुत बढ़िया, बाय बाय।